मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 सितंबर 2024 को, क्योंकि 13 सितंबर 2024 कल रिलीज होने वाली है तुम्बाड़। देवी की कोख में। और मेरे हिसाब से इस फिल्म के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको एक दूसरा मौका मिला है, और इस फिल्म को ही नहीं, हमें एज एन ऑडियंस भी एक दूसरा मौका मिला है टू प्रूव दैट अच्छा आर्ट, अच्छी फिल्में अगर बनती है तो उसको अपनी ऑडियंस और अपना प्यार मिल ही जाएगा। मुझे लगता है कि हमारी फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई है। ये फिल्म लोगों तक पहुंचनी थी, ये लोगों को देखनी चाहिए थी। हमारा हक जो हमें मिला नहीं है वो हम वापस लेंगे। फ्लेक्स है मेरा कि जब तुम्बाड़ पहली बार रिलीज हुई थी तभी मैंने देख ली थी थिएटर में जाके मेरे भाई के साथ, बट मुझे उसकी ग्रेविटी पता नहीं चली थी। तब मेरे मन में एज अ 19-20 ईयर ओल्ड ये क्यूरियोसिटी जागी दैट मुझे ये फिल्म देखनी है। चाहे इसके बारे में बज नहीं क्रिएट किया, चाहे कोई इसमें इम्पोर्टेंट किरदार इतने है नहीं, बट मुझे ये फिल्म देखनी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आनंद गांधी का कंट्रीब्यूशन है। मैंने आनंद गांधी की फिल्म शिप ऑफ थीसिस भी देखी थी, वो भी मुझे इतनी समझ नहीं आई थी, बट मुझे ये पता था कि वो फिल्म भी बहुत ही स्पेशल है। तो एक अंदर क्यूरियोसिटी, एक चाह थी कि ये जानना कि जिन लोगों को मैं मानता हूँ वो अगर इसको अप्रिशिएट करते तो इसमें ऐसी बात क्या है, चलो जाके देख लेते हैं। आई वॉज ब्लोन अवे बाय वॉट आई वॉज सींग बिकॉज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, द वर्ल्ड दैट दे क्रिएटेड वॉज सो ओरिजिनल। द थिंग अबाउट आर फिल्म इंडस्ट्री इज दैट, ऐसी बात नहीं है कि हम वर्ल्ड क्लास सिनेमा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट एक एस्पेक्ट है जहां पे हम इतना कम्पीट नहीं कर पाते हैं, वो है ओरिजिनलिटी। तो मेरे 20 साल के लाइफ में मैंने इतना ओरिजिनल इंडिया में से आई हुई फिल्म पहली बार देखी थी। इट्स वन ऑफ दोस फिल्म्स जिसको 6 साल हो गए बने हुए, इन 6 सालों में मैंने 3-4 बार देख लिया, एंड एवरी टाइम आई वॉच इट अ पार्ट ऑफ मी ग्रोज एंड अ पार्ट ऑफ द फिल्म ग्रोज विद मी, एंड यू नो इट्स अ डिफरेंट फिल्म ऑल टुगेदर। अब जब मैं वो फिल्म देखता हूँ उसकी ग्रेविटी समझ पाता हूँ, उस फिल्म को ना सिर्फ द वे इट लुक्स and feels but the way it's written, the way it's originated, वो कैसे दिमाग में आई होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि ये horror film है, इसका genre जो है वो you know डरावना सा है, but let me tell you, ये supernatural भी नहीं है, horror भी नहीं है, the genre is so original in itself that I am not able to explain, and I have seen multiple attempts of the directors trying to explain what the film's genre is but kind of falling short in words. Closest somebody has come to is दादी अम्मा की जो कहानियां हुआ करती थी वही वाली, बट उसका थोड़ा सा हॉरर वर्जन। देखो एक नई वेव आई है हमारे देश में फिल्मों को री रिलीज करने की, चाहे वो लैला मजनू हो, रॉकस्टार हो, बट हायर पर्पस ऑफ द री रिलीज इज टू गिव द फिल्म अनदर चांस ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्लडी मेनस्ट्रीम फिल्म। द होल आइडिया ऑफ अ री रिलीज ऑफ द फिल्म शुड नॉट जस्ट बी टू गो बैक एंड लिव इन नॉस्टैल्जिया, बट एक्चुअली टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू गुड सिनेमा दैट यू मिस्ड आउट इन द फर्स्ट टाइम। और मैं चाहता हूं कि तुम्बाड़ में हम सब लोग जाए और इस फिल्म को एक और मौका दे, क्योंकि ये फिल्म आपको हिलाकर रख देगी। ट्रस्ट मी, सिनेमा हॉल्स में अगर आप जाते हैं ये फिल्म देखने, थोड़ा बहुत बिजनेस होगा तो प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर ओनर्स, हर किसी को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ऐसी फिल्में भी हमारे देश में चल सकती है। जब मार्वल की, डीसी की फिल्में आती है हम उसको सपोर्ट करते हैं, करते कि नहीं करते है? तो क्यों ना हम एक ऐसे लेवल की फिल्म जो मार्वल डीसी से इजीली कंपीट कर सकती है, उसको एक दोबारा जब मौका मिल रहा है तो ऐसी फिल्म को हम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाएं और तुम्बाड़ देखें और उसके बारे में बात करें, रील्स बनाएं, आपको व्लॉग बनाना है डे आउट विथ मी वॉचिंग तुम्बाड़, वो करें, जो भी करना है करें, मेक इट ट्रेंड, मेक दिस फिल्म विन फॉर वन ब्लडी टाइम। इतनी बकर बकर करने के बाद अगर आपको फिर भी क्रेडिबिलिटी चाहिए कि ये फिल्म क्यों इतनी अमेजिंग है, तो जाके उसकी मेकिंग देखिए। फिल्म की स्क्रिप्ट जो है कोई भी प्रोडक्शन हाउस एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था, उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी। राही अनिल बर्वे ने कैसे 20 साल लगा दिए इस फिल्म को बनाने में। आप समझते हैं एक फिल्म को बनाने में जब 20 साल लगते हैं, अगर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 80 साल जीता है, तो इस फिल्म मेकर ने इस फिल्म को बनाने के लिए एक चौथाई अपनी लाइफ दे दी है। उनकी जो अगली फिल्म है वो बन रही है, इट्स इन द मेकिंग, बट द फर्स्ट वन ऑलवेज टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड दिस गाय ब्लडी मेड श्योर दैट ही विल टेक 20 इयर्स, बट ही विल गिव यू द बेस्ट फकिंग आउटपुट आउट देयर, एंड ही डिड दैट, ही लिव्ड अप टू हिज प्रॉमिस। बट एज एन ऑडियंस आर वी लिविंग अप टू द प्रॉमिस ऑफ अप्रिशिएटिंग गुड आर्ट? ठीक है, सी यू एट द मूवीज ऑन 13th।